Krishna Prima Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratushe Nama He Krishna Karuna Sindho Dina Bandhu Jagatpate Gopesa Vilaganto Radha Kanta Namaskute Tapta Kanchana Gaurangi Radhi Vrindavaneswari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Vrindaya Tulasi Dandai Priyani Kesava Sacham Krishna Bhakti Prata Devi Satya Vatai Namunam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasati Gauru Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Sarvapratham Me Guru Pada Padma Nitalila Bravishnam Vishnu Pada Ashtodara Satasri Sri Sri Madhu Bhakti Sri Roop Siddhanti Goswami Maharaj Ke Charna Kamala Anand Koti Sashtam Dhanuvat Pranam Karta Tatpashchat Mere Sikhya Guru Pada Padma Nitalila Bravishnam Vishnu Pada Ashtodara Satasri Sri Sri Madhu Bhakti Vedanta Sri La Narayana Goswami Maharaj Ke Charna Sarajuni sraddha pushpanjali arpan karta upasthit vaishnava vaishnavi sabhi pachathajan ke pranam karta hare krishna ye granth hai madhurya kadambini ye granth mein humne bahut bahut kuch katha sune hai abhi jo prasang aa raha hai theek abhi jo prasang aa raha hai is like band abhi jo prasang theek hai na abhi jo prasang aa raha hai pehle unhone जैसे भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है भगवान होते हुए भी जैसे उन्होंने कृष्ण देवकी गर्भ में मैया यशोदा गर्भ में जैसे जन्म हुए भगवान राम सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हुए भी श्री कौशल्या गर्भ में भगवान प्रकट होते हैं उसी तरह जो भक्ति है ये भी सर्वतंत्र स्वतंत्र है ये किसी चीज पर निर्भर नहीं करता कहीं भी ये भक्ति प्रकट हो सकती है इसके लिए कोई पावन नहीं कभी बड़े से बड़े व्यक्ति का हृदय में और छोटे से छोटे व्यक्ति का हृदय में भी भगवान प्रकटित हुए जैसे कितना सबसे ऊंची प्रेम से सजाए भगवान केवल प्रेम को द्वारा ही वशीभूत हो सकते ज्ञान कर्म जो कोई उनको वशीभूत नहीं कर सकते इसलिए इसको पहले इसी विषय पर हम लोगों ने श्रवण किया कैसे सबरी का हृदय में प्रकट हुए गुहा का चंडाल का हृदय में प्रकट हुए राक्षस श्री विभीषण का हृदय में प्रहलाद महाराज का हृदय में श्री बहलिया उसकी हृदय में प्रकट हुए नारद जी कृपा से उनको भी भगवान की भक्ति मिली विदुर जी का हृदय में प्रकट हुए इसलिए भक्ति किसी को पर निर्भर नहीं करता वो स्वतंत्र रूप में कभी प्रकाशित अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी विषय पर आ रहे हैं कहते हैं ग्रंथ का नाम है माधुर्य कादंबिनी तब उन्होंने इसी ग्रंथ में भक्ति को एक लता को साथ में उन्होंने उदाहरण दिया सबसे पहले ये बीज बो तो सबसे पहले उसमें अंकुर फिर उसमें दो पत्ते होते हैं जो एक क्लेसाग्नि और एक सुभद्रा अगर भक्ति का पहला अवस्था में जितने तरह का पाप बीज कोट अविद्या जितने हैं अनर्थ कहते ये भक्ति का प्रारंभ ही ये सब नाश हो जाता है सुभदा मतलब जीवन में सारे मंगल मंगलमय हो जाता है हैं कहते जस्यास्ते भगवत भक्ति अकिंचनात् सर्वगुणैस्तत्र समासित सुरा हराब अभक्तस्य पूत महापुरुष इसका मतलब है जस्यास्ते भगवत भक्ति अकिंचना जिसके हृदय में अकिंचना भक्ति प्रकट हो जाती है सर्व गुणे तत्र समास दसुर उसके हृदय में उसके शरीर में जगत का जितने सद्गुण है ज्ञानी योगी कर्मी वो जिन जिन सद्गुण के लिए बड़े प्रयास करते हैं भक्तों को उस सद्गुण के लिए कोई भी प्रयास करने का जरूरत नहीं केवल भगवान की भक्ति करो उसका हृदय में धाम कथन चिरिवाच भगवान कहते हैं जो मेरे भक्ति करते हैं कत तत सब लभित अंजसा
जैसा मतलब दूसरे दूसरे व्यक्ति जिस चीज को पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, मेरे भक्त आसानी से ही वस्तु को प्राप्त कर लेता है। कथंचित यदि मत धाम यदि वांछित, अगर मेरे धाम को भी अगर कभी वांछना करता है उसको मेरे धाम भी प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग मोक्ष ये सब वस्तु तो उसको सामने कहते भक्ति स्तय स्थिर तरा भगवान यदि सार दैवे ने दिव्य किश्वर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुंदा जलि सेवत असमान धर्म अर्थ काम समय प्रतीक्षा। कहते हृदय में जब भगवत भक्ति प्रकट हो जाती है, कहते भगवान का जो श्याम सुंदर दिव्य जो किश्वर मूर्ति उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। अब जिस धर्म अर्थ काम के लिए बड़े प्रचेष्टा करते हैं वो समय प्रतीक्षा, कहते प्रभु हमें कृपा करके कब हो थोड़ी सी हमें ठाकुर का सेवा में लगाएंगे। मुक्ति स्वयं मुकुंदा जल, जो मुक्ति दरवाजा को गेट को बाहर खड़ी रहती है हाथ जोड़ करके सर्वत आसमान ठाकुर जी की सेवा करने की। इसलिए ये भक्ति हृदय में प्रकट हो जाए सब कुछ, लेकिन भक्ति अगर नहीं हो तो जितने सारे तुम्हारे सद्गुण हैं वो सब बेकार है। इसके लिए उदाहरण दिया है, इसके लिए उदाहरण दिया भक्ति हिनस्य जाति शास्त्र जपस तप अप्राणश्चैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। जैसे शरीर मरा हुआ शरीर, अगर मरा हुआ शरीर में जितने तुम्हारे हीरे जवाहरातों से जितने उसको श्रृंगार करो उसका क्या महत्व, मरा हुआ शरीर कोई लाभ नहीं। कद हराब अभक्तस्य, इसलिए अगर भगवत भक्तिहीन हो, अगर उसके अंदर में सारे गुण होना वो गुण का कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं। लेकिन जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं होता है, हराब अभक्त सकूत महात गुणात्, जिसको भगवान के चरण में भक्ति नहीं उसके हृदय में ये महत्व गुण कहाँ संभव हो सकता है। महत्व गुण उसके अंदर में आएगा जिसके हृदय में भक्ति प्रकट हो। इसलिए उसमें क्लेसाग्नि और सुभदा, और उसमें एक तरफ का पत्ता का एक तरफ खसखस होता है और एक तरफ का मुलायम होता है, जो भक्ति वैदिक दो तरह का बताया, एक जो खसखस है कहती है वैदिक भक्ति और जो मुलायम ये राग भक्ति, दो तरह का भक्ति। लेकिन दोनों तरह का जो भक्ति कहते जो वैदिक भक्ति शास्त्र शासन का अनुरूप जो भक्ति कहते हैं, लेकिन उसमें तो खसखस पड़ा जाता है, क्यों उसमें स्वाभाविक रूप में रुचि नहीं। लेकिन जो मोलाई में है स्वाभाविक रूप में भगवान के चरण में जो अनुराग उसको कहते हैं ये राग, वो थोड़ी मोलाई थोड़ा रस युक्त। लेकिन कहते हैं लेकिन दोनों भक्ति जो सुभदा और क्लेशग्नि, क्लेशग्नि और सुभदा, लेकिन दोनों में ही ये दो गुण देता, दोनों में ये दोनों गुण, दोनों में भक्ति अगर सही सही करेंगे दोनों में ही ये गुण दिखेगा। अभी यहाँ पर प्रारंभ करते हैं, इसलिए यहाँ पर बताए। लेकिन ये जो भक्ति इसको एक लता को साथ में उदाहरण दिया, लेकिन भक्ति का प्रारंभ कहाँ पर है, भक्ति जो शुरुआत होता है कहाँ पर, इसलिए श्री रूप गोस्वामी यह चीज को उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में इन्होंने ये चीज को उन्होंने वर्णना किया है। आदो श्रद्धा तथा साधु संगो अत भजन क्रिया तथा अनर्थ निप्रतिशा, इसलिए जो भक्ति जो लता है उसको एक उदाहरण दिया। लेकिन ये लता शुरुआत कहाँ से होती है, कहते शुरुआत होता है श्रद्धा से। इसलिए अब ये चीज बता रहे हैं, कहते भक्ति के अधिकारियों में सर्वप्रथम श्रद्धा का उदय हुआ करता है, भक्ति का सर्वप्रथम ये श्रद्धा है। लेकिन ये श्रद्धा भक्ति शास्त्र में वर्णित विषय में दृढ़ विश्वासमय होती है। इसलिए कहते जो श्रद्धा, कहते श्रद्धा कहते हैं किसको, उसका जो डेफिनेशन दिया बोले श्रद्धा उसको कहते हैं बोले जो भक्ति शास्त्र में जो वर्णित की गई है
उसको प्रति जिसका दृढ़ विश्वास है, जो विश्वास दृढ़ होती है। कहते भक्ति शास्त्र में कहे गए साधन के अनुष्ठान का विषय विशेष रूप से जत्नशील होकर तदनुसार कार्य करने की जो आदर सहित इच्छा है उसे ही श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा कहते किसको? शास्त्र में जो वर्णना की गई है वो चीज को पर मैं संपूर्ण रूप में विश्वास करते हुए जो उसके अनुरूप जो साधन करते हैं उसको कहते हैं ये श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा है। इसलिए कहते हैं जो श्रद्धा है दो तरह का ही, कहते एक तरह का श्रद्धा स्वाभाविक और दूसरे तरह का श्रद्धा जोर जबरदस्ती है। इसलिए श्रद्धा दो तरह का है, एक स्वाभाविक रूप में और एक श्रद्धा जोर जबरदस्त रूप में। इसको श्रद्धा दो तरह से कहते हैं। अभी इसी विषय ऊपर में हमारे भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज विभिन्न ग्रंथों से उन्होंने कोटेशन को लेकर के जो दो तरह का श्रद्धा बताया, एक तो स्वाभाविक रूप में और एक जोर जबरदस्ती, उन्होंने विभिन्न जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रधर रूप गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कहते इन्हीं विषयों के ऊपर क्या क्या बताए हमारे महाराज से इस ऊपर में, कहते जो पीयूष वर्ष यानी जो वृत्ति है उसको ऊपर में बड़ी सुंदर उन्होंने व्याख्या किया है। अभी हम कोशिश करेंगे गुरु जी इसके ऊपर में क्या बोलते हैं। कहते इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महोदय भक्ति का स्वरूप, भक्ति की स्वर प्रकाशिता, धर्म और भक्ति का कार्य संक्षिप्त रूप में वर्णना कर अब यहाँ ग्रंथ के मूल प्रतिपाद्य विषय भक्ति साधन के स्तर को वर्णना आरंभ कर रहे। इसको पहले जो बताए भक्ति का जो स्वर प्रकाशिका है, अब भक्ति का स्वरूप क्या है इसको पहले इसको वर्णना कर चुके हैं। अभी बता रहे हैं ग्रंथ का जो मूल विषय है, माधुर्य कादंबिनी उसका जो मूल विषय है, भक्ति कहाँ से श्रद्धा से शुरू हो रहे। अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अभी मूल विषय के ऊपर में अभी विवेचना कर रहे, मूल विषय पर आ रहे। इसलिए आरंभ कर लो, श्रद्धा ही भक्ति साधन का प्रथम स्तर। कहते भक्ति मंदिर में प्रवेश करने के लिए प्रथम सोपान श्रद्धा। कहते सर्व भक्ति सर्व जनिन जनिना और सार्वभौम साधना है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान और अवस्था में हरि भजन कर सकते हैं। इसलिए हरि भजन करने के लिए हमारे अंदर में ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे ज्ञान बोले ज्ञान को ज्ञान में अधिकार कब होता है, बोले ज्ञान में अधिकारी वही है जो अंतर इंद्रिय और बाहरी इंद्रियों को सम और दम, पहले ये चीज को पहले कंट्रोल करो तभी कोई ज्ञान में अधिकार हो। लेकिन भक्ति साधन में किसी गुण की जरूरत नहीं, कभी किसी अवस्था में आप ये भक्ति की साधन कर सकते। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताया कृष्ण भजन है सबे अधिकारी की बा विप्र की बा सूत्र की बा पुरुष न। कहते भक्ति साधन में सभी अधिकार है, कोई ब्राह्मण क्यों नहीं हो, वो शूद्र क्यों नहीं हो, वो पुरुष क्यों नहीं हो, वो नारी क्यों नहीं हो, भक्ति जगत में सभी का अधिकार है। कितना की बात शूद्र की बात न्यासी शूद्र के जय कृष्ण तत्वता सही गुरु है, सही गुरु है। इसलिए कहते हैं भक्ति साधन में जात कुल स्थान काल किसी चीज का अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन एक चीज की अपेक्षा करता है किसको? श्रद्धा। एक चीज का अपेक्षा करता है किसको? श्रद्धा। ये श्रद्धा को ही ये अपेक्षा करता है। अगर तुम्हारे दिल में श्रद्धा है बस तुम भक्ति की, तुम ही भक्ति की अधिकारी है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताए श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी है। कहते श्रद्धावान जन ही भक्ति की अधिकारी है। इसलिए श्रद्धा के बगैर किसी चीज में भी जीव सिद्धि कभी प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी विषय हो सबसे पहले आपकी श्रद्धा की जरूरत है। इसलिए यहाँ से कृष्ण श्री गुरुदेव श्री
गीता से एक श्लोक को कोटेशन करके कह रहे हैं भगवान कृष्ण, कह रहे हैं बोले अश्रद्धया हुतम ततम तपस्ततम कृतं च जत् असति त्वच्यते पार्थ न च तत् प्रत्यनो इह। इसका मतलब है बोले हे पार्थ, कद अश्रद्धा पूर्वक जो होम हो, जो दान हो, जो तपस्या हो एवं अन्य अन्य कोई भी अनुष्ठित हो, इसलिए वे असत कह जाते हैं अगर वो श्रद्धा पूर्वक वो चीज नहीं हो। इसलिए वे इसी श्लोक या परलोक में कहीं भी फलदायक नहीं होता है जिसके अंदर में श्रद्धा नहीं। इसी लोग क्यों नहीं हो और परलोक में क्यों नहीं हो, कहीं भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। इसलिए गीता के इसी वचन में वचन के अनुसार श्रद्धा विहीन सभी साधनाएं निष्फल बताई गई है। महर्षि पातंजलि ने भी यही चीज को लिखा है। बोले क्या लिखे, बोले श्रद्धा चेतस संप्रसाद जाहि जन नीव कल्याणी जोगिनम पाति। अर्थात चित्त की संप्रसन्नता को ही श्रद्धा कहा जा सकता है। उन्होंने जो डेफिनेशन दिया श्रद्धा मतलब क्या है, बोले चित्त की प्रसन्नता, प्रसन्न श्रद्धा। श्रद्धा अगर नहीं रहेगा आप कोई भी काम करो हृदय प्रसन्न आएगा नहीं। अगर श्रद्धा है फिर तो हर चीज में करने में आपके हृदय में प्रसन्नता होगी। इसलिए श्रद्धा अतः यह देखा जा रहा है कि किसी विषय में संदेह का नाश और वस्तु के विषय में विश्वास करना ही श्रद्धा है। इसलिए यहाँ पर श्रद्धा का जो डेफिनेशन दिया है, क्या डेफिनेशन दिया है, कहते किसी विषय के ऊपर अगर आपकी संदेह हो, जैसे हम भक्ति करते हैं, क्या भक्ति करने से सचमुच से भगवान मिलेंगे क्या, क्या भगवान क्या मिलेंगे, अगर हमारे अंदर में अगर ऐसे शंका हो, आप कोई भी काम को तिलक लगाओ, घंटी पहनो, भजन करो, हरिनाम करो, आपको इसमें रुचि नहीं होगा, आपके अंदर में से श्रद्धा ही नहीं आएगा। इसलिए विषय में संदेह नाश और वस्तु के विषय में विश्वास करना ही श्रद्धा है। श्रद्धा विश्वास करना ही श्रद्धा है। यदि तो मंगल रूपिणी यह श्रद्धा माता की भांति सब समय जोगी की रक्षा क्या करता है। इस श्रद्धा क्या है, इसे मैया क्या करती हैं, इसे अपना बच्चों को रक्षा करती हैं। ये श्रद्धा क्या करती है, भी भक्ति को रक्षा करती है। अब देखना अगर किसी कारण से अगर अश्रद्धा हो जाता है ना किसी विषय में, हम तिलक भी छोड़ देते हैं, कंठी भी छोड़ देते हैं, माला भी सब छूट जाता है, ये सब चीज को हम छोड़ देते हैं। कहती है कि माता की भांति माता जैसे अपने बच्चे को रक्षा करती है, श्रद्धा क्या करती है, हमें भी भक्ति को ये रक्षा करती है। इसलिए यह श्रद्धा जितने प्रगाढ़ होती है उसी परिमाण में साधक का चित्त अनुकूल होकर के साधक को सिद्धि और अग्रसर करा देता है। कहते श्रद्धा कहते जितने परिमाण में ये श्रद्धा प्रगाढ़ होती है उतना परिमाण में क्या करता है, साधक का जो चित्त है वो अनुकूल होकर साधन को सिद्धि की ओर अग्रसर कराती है। अगर श्रद्धा नहीं हो तो गया भक्ति 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 खत्म, फिर भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए गुरुदेव उसको बहुत अच्छे तरह से चीज को बहुत अच्छे तरह से व्याख्या करके बोल रहे हैं। इसलिए कर्म ज्ञान जोगादि सभी साधनों में श्रद्धा की आवश्यकता है, ये बात ठीक है। आप कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, यहाँ तक जो कर्म करते हैं उसमें भी श्रद्धा होता है, बोले ज्ञान मार्ग है उनको भी श्रद्धा है। इसलिए कहते ना ज्ञान भक्ति के बगैर ज्ञान ज्ञान को प्राप्त नहीं करा सकते हैं। इसलिए हर काम के द्वारा भक्ति पूर्वक कर, भक्ति से तो कर, हर चीज में भक्ति की श्रद्धा की सब, इसलिए सब साधक में ये श्रद्धा जरूरत है। किंतु भक्ति साधन में जो श्रद्धा होती है वो अत्यंत विलक्षण होती है, वो निर्गुण और चिन्मयी भक्ति साधन का प्रथम स्तर या सोपान विशेष, प्रेम ही भक्ति साधन का अंतिम सोपान है, श्री रूप गोस्वामी यहाँ पर वर्णना करते हैं। इसलिए वो निर्गुण कहते भक्ति जगत में जो श्रद्धा, श्रद्धा सभी में है लेकिन कहते भक्ति जगत में जो श्रद्धा है ये श्रद्धा एक दिव्य है। ये क्या है, एक चिन्मयी
भक्ति साधन का प्रथम स्तर और सोपान विशेष, और भक्ति साधक का श्रद्धा प्रथम और उसका अंतिम जो स्टेज क्या है, यदि ये प्रेम है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी इस विषय पर कहते क्या कहते हैं, बोले आदो श्रद्धा ततो साधु संग अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि तत अस्ताशक्ति तत्व भावास्तत प्रेमाद्भुतंचति साधकानां मयं प्रेम प्रादुर्भाव भवेत क्रम। याद है कि नहीं, ये इसको याद कर क्रम है श्लोक है, ये घर में रहते हुए ना, अगर वहाँ वृंदावन से अगर तुम लोग श्लोक वहाँ से अगर लेकर के अगर यहाँ पर करोगे, उनको साथ साथ में कथा भी सुनोगे, श्लोक भी याद करोगे ना, वहाँ धीरे 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 सारे श्लोक याद हो गए, सारे श्लोक याद हो गए। इसलिए इसी विषय में श्री गुरुदेव क्या कहते हैं कि सर्वप्रथम श्रद्धा, तदंतर साधु संग, उसके बाद में भजन क्रिया, उसके बाद में अनर्थ निवृत्त, उसके बाद में निष्ठा, तदनंतर रुचि, और उसके बाद में आसक्ति, तत्प्रसाद भाव, और भाव के बाद में प्रेम का उदय होता है। साधक के हृदय में प्रेम उत्पन्न होने का यह क्रम निरूपित हुआ है। श्रील ग्रंथकार महोदय ने भक्ति साधने के प्रथम सोपान स्वरूप श्रद्धा के दो लक्षण बतलाए। पहला, भक्ति शास्त्र में वर्णन किए गए विषय में दृढ़ विश्वास ही श्रद्धा है। इसलिए श्रद्धा किसको कहते हैं, शास्त्र में जो वर्णना की उसका प्रति जो दृढ़ विश्वास ही श्रद्धा। इसलिए कविराज गोस्वामी भी लिखते हैं, बोले श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, और कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म करता है। उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको डेफिनेशन दिया है, क्या दिया, श्रद्धा का शब्द मतलब क्या है, सुदृढ़ रूप में निश्चय हो, क्या निश्चय हो, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म। जब हम भगवान के प्रति भक्ति कर लेते हैं फिर सारे काम करना हमारी हो जाता है, ये विषय को निश्चय निश्चित होना चाहिए। इसलिए कृष्ण गीता में कहते ना, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे बक्षसामी माम सुच, सब छोड़ करके तुम मेरे शरण में आ जा, तो जब मेरे शरण में आ जाओगे सारे पाप मैं तुम्हें मुक्ति कर दूंगा। कभी कभी हम कहते ना, हम घर छोड़ दिया, पिता माता की सेवा छोड़ दिया, भाई बंधु का सेवा छोड़ दिया, परिवार की सेवा छोड़ दिया, हमें पाप तो नहीं लगेगा फिर ना, हम पाप तो नहीं लगेगा। तो गुरुदेव कहते थे जब कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके भगवान की भजन में आ जाते हैं, भगवान 36 करोड़ कर्मकांडी ब्राह्मण को निकल बताए, कहते इसको बाद में जो और जितना संसार का काम है ये 36 करोड़ कर्मकांडी ब्राह्मण ही सारे काम करते हैं, उसको सारे का काम करेंगे। इसलिए अपनी आप सारे ऋणी से, जगत में जन्म हो आपको 6 ऋणी से मुक्त होनी पड़ेगा, हाँ, देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, राजा ऋण, पिता माता ऋण है, इसलिए और देवर्ष पर पितृ ऋणी, और जितने परिजनों से जो हमने मदद किया उनका ऋणी, ये सारे ऋणी से मुक्त होनी चाहिए। लेकिन कहते सर्वात्मना जो शरणम शरण, जो संपूर्ण रूप में भगवान के शरण में आ जाते हैं, कहते सारे ऋणी से अपने आप मुक्त हो जाते, सारे ऋणी से मुक्त हो जाते। कहते पिता माता की इतना ऋणी हम जिंदगी में कोई चुका ही नहीं सकते, और तो गुरुदेव कहता हूँ तो सारे ऋणी रह गए तो चुकाओ कहाँ से, लेकिन सबको दुनिया कहाँ से ऋणी लिया, बोले ठाकुर जी से ऋणी लिया। जब ठाकुर जी चरण में आ जाए सारे ऋणी से ये अपने आप मुक्त हो जाते, सारे ऋणी से अपने आप मुक्त हो जाते हैं। इसलिए देखो गुरुदेव कहते थे महाप्रभु किस समय में संन्यास लिया है, किस समय, गुरुदेव उदाहरण दे रहे हमारे गुरु जी को साथ में, महापुरुष साथ में उनको 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 ये होता है मिलता है, बोले महाप्रभु किस समय में संन्यास लिया, बोले पहले पिताजी पहले विश्वरूप संन्यास ले लिया, बड़े भाई पहले संन्यास ले लिया, उसके बाद में पिताजी का अप्रगट हो गए, पिताजी धाम में चले गए, जगन्नाथ मिश्र वो भी धाम में चले गए, घर में महाप्रभु शादी हुई और घर में पत्नी कितने उम्र है 16-17 साल की, विष्णु प्रिया है, एक बूढ़ी माता, घर में और कोई है ही नहीं,
काम करके कोई कमाने वाले घर में कोई है ही नहीं। और पहला जो नियम होता था, पहले तो और स्ट्रिक्ट नियम था, माताएं कभी घर से बाहर निकलती थी, इसलिए बूढ़ी माता घर में पत्नी इतनी कम उम्र की कोई घर में है नहीं। उसी समय में महाप्रभु संन्यास ग्रहण करते, दुनिया को महाप्रभु शिक्षा दिया, जगत में जितने हम जिसको कर्तव्य मान करके हम सोचते हैं, लेकिन जो कर्तव्य में जो सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है वो भगवान के भजन है, इससे बड़ा कर्तव्य कुछ नहीं। बोले सकल जन्म में सभी पिता माता सभे, हर जीवन में पिता माता मिलते हैं, लेकिन कृष्ण गुरु नहीं मिले गुरु कृष्ण नहीं मिलते हैं। क्या करनी चाहिए? हृदय को द्वारा भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर हम सही सही भक्ति करें फिर पीछे का काम क्या करेंगे? भगवान को करना पड़ेगा। जैसे नरस भक्त भजन किया, कृष्ण स्वयं उनका रूप धारण करते हुए सावरिया सेठ बनकर उनको बेटी को शादी करने जाते, क्यों? वो पूर्ण रूप में भगवान के चरण में शरणागत। जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप में ठाकुर जी के चरण में शरणागति हो जाते हैं ना, भगवान कहते हैं उसका पीछे का काम मुझे करना पड़ता, क्यों? संपूर्ण रूप में मेरे शरण में आ गया। अभी ये चीज हमारी विश्वास होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। जब हम कृष्ण भक्ति कर लेते हैं, हमारे सारे कर्तव्य जीवन का पूरी हो जाती है। इसको कहते हैं श्रद्धा, इसको कहते हैं श्रद्धा, इसको चीज को श्रद्धा कहते हैं। इसलिए अर्थात भक्ति शास्त्र में यथार्थ विश्वास, शास्त्र के अर्थ में निश्चयात्म का बुद्धि, जत्न पूर्वक उस विषय में अनुभव की चेष्टा एवं समाधानात्मक युक्ति, इन सब सिद्धांत में सुदृढ़ विश्वास होने पर भगवत भजन के बिना जीवन व्यर्थ होगा। साथ ही साथ हरि के करुणादि गुण और पतित उद्धार संबंधी लीला कथाओं का श्रवण करने में चित्त में आशा की जो संचार होने पर चित्त प्रफुल्लित होता है। इसलिए जब भगवान की भक्ति में कोई आ जाते हैं, आने पर क्या होता है, भगवान करुणा, मतलब जैसे भगवान क्या किया, नरसिंह भगत अगर भजन के लिए आया तो उसको क्या किया, भगवान स्वयं बेटी की शादी करवाते। अगर हम भगवान की भजन करने के लिए आएंगे, भगवान स्वयं कहते हैं क्या करेंगे, उसका सारे काम मेरे को खुद करना पड़ेगा। कभी ये जो भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास, भगवान की जो करुणा, भगवान की जो करुणा के प्रति अगर जो आस्था है, नहीं अगर हम भक्ति करेंगे तो जरूर भगवान हमारे सारे पीछे कर्तव्य को भगवान चुका देंगे। ये जो भगवान के प्रति जो विश्वास है और इसको द्वारा जो हृदय की जो प्रफुल्लता, जो आनंद था, तो इसको कहते हैं श्रद्धा। जड़ी नश्वर भोग के प्रति घृणा या अरोचकता स्वाभाविक होता है। जब ऐसे विश्वास हो जाता है ना, फिर तो सारा दुनिया भले ही कुछ करे, जैसे मेरा भजन की तो सारा दुनिया उसको पीछे पड़े, ये करो, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़, उसको हर चीज को उन्होंने त्याग दिया, उन्होंने त्याग दे करके उन्होंने दृढ़ विश्वास करके भक्ति की, और देखो सारा दुनिया में उनकी जय जयकार होता है। रघुनाथ दास गोस्वामी सब कुछ छोड़ करके भजन में आए, भक्ति की, देखो सारा दुनिया में उनकी जय जयकार है। इसलिए जड़न भोग कदम भजनहीन वृद्धा जीवन निर्वाह अत्यंत असहनीय होता है, और हरि के चरण में शरणागति भी स्वाभाविक ही होता है। इसलिए उस समय भावना क्या रहती है, भगवत भजन के बगैर एक एक पल जो बीतते जा रहा है, ये समय कभी हमारी और आएगा नहीं, हमारा जीवन तो भगवान भजन के बगैर वृथा, झूठे जीवन में हमारा बीते जीवन को हम बिता रहे हैं। ये चीज को जो असहनीय, मतलब क्यों हम समय को वृथा गमा रहे हैं विषय में, हरि के चरण में शरणागति स्वाभाविक होता है, इसलिए इसको कहते हैं श्रद्धा। अभी श्री जीव गोस्वामी इसको ऊपर में बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे, श्रद्धा का भक्ति संदर्भ में क्या बताए और कौन सा ग्रंथ में क्या बताए, श्रद्धा के विषय में यहाँ पर बहुत बहुत कुछ बताए। हम कल सुनते हैं, ठीक।
तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय गौर ब्रह्मानंद।